हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टडी पर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई नई भर्ती जो कि 12वीं पास जो शिक्षक बन सकते हैं। 12,000 केंद्रों पर होगी ये परीक्षाएं। हाँ दोस्तों, भजनलाल शर्मा ने राजस्थान से एक नई भर्ती निकाली है दोस्तों, जो कि 12वीं पास होगी और इसके अंदर कोई एग्ज़ाम नहीं लगेगी दोस्तों। 12वीं पास के जो विद्यार्थी हैं वो आराम से इस जॉब को कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए मैं आप सभी के लिए संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ इस भर्ती के बारे में। राजस्थान CEE भर्ती क्या होती है दोस्तों? 62,000 केंद्रों पर होगी भर्ती। हाँ, तो ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गया है। हाँ, भजनलाल शर्मा निकाला है। हाँ, ये भजन हमारे राजस्थान की जो सरकार है, भजनलाल शर्मा, इन्होंने यह नई योजना निकाली है दोस्तों, CEE न्यू भर्ती। हाँ, तो ये देख लीजिएगा। हाँ, सभी लोग 12वीं पास है जो देख सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में पहली दूसरी के बच्चों को STO या BEd की बजाय 12वीं पास अध्यापक पढ़ाएंगे। हाँ दोस्तों, 12वीं पास जो विद्यार्थी है वो इसका फॉर्म लगा सकते हैं। इसकी कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। इसके अंदर आपको कोई क्या डिप्लोमा करना पड़ेगा, क्या आपको क्या क्या, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जो मैं आपको वीडियो के अंत तक बने रहे तो मैं आपको बता दूंगा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है आप सभी को। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 5 LKG से 3 कक्षा तक जो भी बच्चे हैं उनको स्कूल की तरह वहाँ पर पढ़ाना है। 12वीं पास जो भी है विद्यार्थी है जो कि अध्यापक बनेंगे। हाँ जी साथियों, हाँ शिक्षक, ये देखो शिक्षक संघों ने करवाई शिक्षकों की नियमित नियुक्ति बंद होने की संभावनाएँ। हाँ, ये देखिए नई शिक्षा नीति से शिक्षकों के पदों पर कटौती की संभावना। हाँ, 12वीं पास जो 12वीं पास अध्यापक होंगे, हाँ जो भी विद्यार्थी है, ये देखिएगा नई शिक्षा नीति 2024 के तहत आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा 62,000 पदों पर निकली आंगनबाड़ी भर्ती, जिसमें 12वीं पास विद्यार्थी होंगे। यहाँ दोस्तों 62,000 पदों पर भर्ती निकाली है। हाँ, 16,200 वैकेंसी खाली है। हाँ हाँ, 62,000 केंद्रों पर होगी ये भर्ती, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जितने भी बच्चे हैं LKG से 3 तक सभी को पढ़ाया जाना है। हाँ, 12,000 आपका वेतन, 40 तक का आपका वेतन रहने वाला है। हाँ साथियों, आपके लिए इसके अंदर क्या डिप्लोमा करना पड़ेगा, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगी। ओनली सिर्फ LKG से 3 कक्षा तक ही आपको पढ़ाना होगा स्कूल की तरह। जो भी 12वीं पास है वो इसका फॉर्म लगा सकता है। देखिएगा ECC यानी प्रारंभिक बाल्यक अवस्था देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स, बच्चों की देखभाल और शिक्षा से जुड़ा एक कोर्स है। हाँ हाँ साथियों, आप पढ़ना। हाँ, बालिका देखभाल और शिक्षा, बच्चों की देखभाल और शिक्षा से जुड़ा हुआ एक कोर्स है। हाँ, इस कोर्स का मकसद बच्चों की भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना है। यह कोर्स बच्चों के जीवन भर के स्वास्थ्य पोषण सीखने के लिए सामाजिक भावना विकास के लिए ज़रूरी है। हाँ, 12वीं स्तर की योग्यता होने पर इस कोर्स में दाखिला लिया जा सकता है। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 10वीं, 2री, 3री या 10वीं, 2री, 4थी स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। इस कोर्स को करने के बाद उम्मीदवार आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल में काम कर सकते हैं। हाँ, 12वीं पास इसकी भर्ती है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। हाँ, 2-3 दिन पहले अखबार में आई थी, आपने पढ़ा हो तो। हाँ, न्यूज़पेपर में भी आई थी। इसके अंदर 12वीं पास जितने भी छात्र विद्यार्थी वो इसका फॉर्म लगा सकते हैं, इसकी कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। हाँ, इसके अंदर ओनली सिर्फ आपको डिप्लोमा करना होगा ECC, यह एक डिप्लोमा है ECC, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन ECC चाहिए। जिसे और वैकेंसियों के लिए रीट BST कोर्स BEd चाहिए, इसी प्रकार आपको ओनली सिर्फ इसके लिए 12वीं पास होना है और ECC कोर्स आपके लिए ज़रूरी है, जो कि आप आंगनबाड़ी केंद्रों पर लग सकते हैं आराम से। हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल सीधी भर्ती है। हाँ, ECC प्रारंभिक व्यवस्था देखभाल, हाँ बच्चों के लिए, उनसे बच्चों के आपको आंगनबाड़ी में LKG से 3 कक्षा तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है। इसकी कोई एग्ज़ाम नहीं रहने वाली। आराम से आप इसका वेतन 40,000 तक के आराम से आपको पर मंथ मिल सकता है। हाँ, इसके लिए आपको डिप्लोमा ECC करनी होगी। ECC क्या होती है, इसकी डिप्लोमा में आपको अगले वीडियो में पूरी संपूर्ण जानकारी के साथ में बता दूंगा कि ECC क्या होती है, ECC की डिप्लोमा कहाँ से की जाए, इसकी कितनी फीस लगेगी, कितना कोर्स होगा, वो सब मैं आपको बता दूंगा। हाँ तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। ECC यानी प्रारंभिक शिक्षा, हाँ ये मैं आपको बता दूंगा। हाँ, अगले वीडियो में आपको आएगा इसके बारे में, ECC क्या होती है, इसका डिप्लोमा कहाँ से किया जाता है, कितने पैसे लगते हैं सब। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले।